हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरा यूट्यूब चैनल इजी फार्मिंग ट्रिक पे। मैं काफ़ी दिनों के बाद पोल्ट्री का ऊपर बेच का ऊपर मुर्गी का जो है वीडियो बना रहा हूँ। सो आप देख सकते कल मेरा फार्म में ये चूजे आए थे और उससे मैं पहले वीडियो नहीं बना पाया था कल डालने के टाइम में। सो आप लोगों को अगर पहले का मेरा वीडियो देखना होगा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं इसे ही वीडियो बना रहा हूँ इनका। देख सकते मैंने इनको अभी ये कार्टन जो है उससे बांस देके मैंने बनाया है। ये राउंड राउंड करके नहीं बना पाया मैं, इसलिए स्क्वायर है। सो आप लोग जितना हो सके स्क्वायर बनाइएगा। स्क्वायर बनाने से ये कोने में जमा नहीं होंगे, ठंडी का सर्दी का मौसम है इसके लिए। और आप देख सकते हैं ये बर्ड मेरे काफ़ी हेल्दी और एक्टिव है। तो पिछले बेज में मेरा काफ़ी सारा नुकसान हुआ था और मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं नया एक फार्म का स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया है। यही इसी बर्ड को मैं मेरे नए वाले फार्म में ट्रांसप्लांट करूँगा फर्स्ट वैक्सीन देने के बाद। और उसका मैं वो फार्म का कैसे मैंने मैनेजमेंट किया है आपको पूरा जानकारी, पूरा तैयारी आपको कैसे बनाते हैं फार्म नया फार्म का। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको भी वो बता दूंगा। आप आराम से देख सकते कैसे बनाना है। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग पहले मेरा वीडियो देख पाए। मैंने ये देख सकते हैं आप पेपरिंग किया हुआ है, घर का अंदर ही पेपरिंग किया हुआ है। बाहर साइड में भी पेपर दिया हुआ है और घर का अंदर भी मैंने फिर से पेपरिंग किया हुआ है। और उसके बीच में बाद में ऐसे जो कार्टन होता है उससे मैंने बनाया है राउंड, नहीं बना पाया मैं थोड़ा दिक्कत की वजह से, वरना मैं राउंड राउंड नहीं बनाता, गोल गोल। तो ये स्क्वायर हो गया है मेरा वाला। तो इसके लिए मैं कोने में आप देख सकते हैं ऐसे मैंने कवरिंग किया है कि ताकि ये जमा ना हो कोने में। देख सकते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और फेसबुक पेज में होने से फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम में होने से फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों का फॉलो और लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है हमें। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। और आज के बाद से आपको डे बाई डे वीडियो जरूर मिलेगा। आज दूसरा दिन है, कोने में आप जमा होने मत दीजिएगा और तैयारी की अच्छे से मैनेजमेंट कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा एंड बाय।